फिजिकल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों के एक नक्सली को मार गिराया गया है। डीआरजी जवानों ने मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र के हेरोली के जंगल में हुई है। कार्रवाई के दौरान डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में मलंगीर एलओएस सदस्य हार्डकोर नक्सली गुड्डी को मार गिराया है। पुलिस ने नक्सली से एक पिस्टल बरामद की है। ये नक्सली 40 से अधिक नक्सल प्रकरणों में नामजद था, साथ ही भीमा मंडावी की हत्याकांड में भी ये नक्सली शामिल है। और खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में धारदार हथियार से हत्या कर दी। नक्सलियों ने थाने में 1 किलोमीटर दूर और मृतक के घर से कुछ दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। घटना भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के कोष्टापारा इलाके की है। कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। और खबर बीजापुर से है, जहां नक्सली वारदात में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद नक्सलवाद पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस पर कांग्रेस संचार विभाग के मुखिया शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि सरकार कांग्रेस या भाजपा देखकर किसी को सुरक्षा नहीं देती और हत्या पर राजनीति करना उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। रमन सिंह ने नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की और अलग नेताओं के साथ जीत की उन्हें बधाई दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी चीफ के पोस्ट से इस्तीफा देने की खबरें उनकी आ रही हैं। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान सामने आया है। त्रिवेदी ने कहा है कि इस बारे में मैं खुद नहीं बता सकता, मुख्यमंत्री बता सकते हैं। गौरतलब है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि भूपेश बघेल ने पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। कार्य समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव के फैसलों के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उस पर चर्चा की है। कांग्रेस कार्य समिति और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो भी आदेश होंगे सभी इकाइयां उन आदेशों का पालन करेगी और इस संदर्भ में सारे निर्देशों की अभी प्रतीक्षा है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिल्ली में चर्चा करके शाम को 7 बजे रायपुर आ रहे हैं। उनसे चर्चा करने के बाद इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके। रायपुर में पटेल समाज की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज की जिला स्तरीय कार्यकारिणी टीम का गठन किया गया और सामाजिक विकास, युवाओं में शिक्षा को लेकर मार्गदर्शन के साथ समाज के निसहाय लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों के विकास को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सैकड़ों लोगों ने समाज हित, राष्ट्र हित में काम करने की शपथ ली। मराल पटेल समाज का प्रदेश स्तरीय बैठक युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और कर्मचारी प्रकोष्ठ का रखा गया है और इनका आज की बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि युवाओं को जगाना और युवाओं को अपने कर्तव्य के प्रति बोध कराना, महिलाओं के हमारे समाज के विकास में क्या प्राथमिकताएं हैं, उनकी क्या उद्देश्य, उनके क्या सोच है, उसके आगे लाना और हमारे समाज को जो कर्मचारी साथी हमारे समाज के हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज को कैसे आगे ले जाए, इस पर आज विचार मंथन हुआ। डोंगरगढ़ पहुंचे कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष नवाज खान ने राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली लाखों के अंतराल की हार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर जो पिछले बार चुनाव लड़े थे उस पर कुछ नहीं हुआ और न ही उसकी चर्चा हुई। इस चुनाव में नया भ्रम जाल फैलाकर और गुमराह करके चुनाव जीता गया है। नवाज खान ने कहा है कि वर्ष के अंत तक होने वाले नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का संगठन भूपेश सरकार की उपलब्धियां, कार्यों को हर बूथ से लेकर गांव-गांव तक ले जाएगा और निश्चित ही कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का भ्रमजाल टूट जाएगा और भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो बातें जो झूठ बोल करके चुनाव जीता था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, इस पूरे 5 साल में उस पर तो कोई काम किया ही नहीं और ना ही चुनाव में उसकी चर्चा की। इस चुनाव में नया भ्रमजाल फैला करके उन्होंने देश को गुमराह किया, मतदाताओं को गुमराह करने का काम किया और केवल गुमराह करके वो चुनाव जीते हैं। परंतु फिर भी हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में जो जनता का आदेश होता है वो सर्वोपरि है। सूरत के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद सभी कोचिंग सेंटरों में छापामार कार्यवाही लगातार जारी है और जांच की जा रही है, मगर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करने का मामला भी सामने आया है। बताया निगम के कर्मचारी कोचिंग सेंटरों पर जांच के लिए गए और वो सिर्फ कोचिंग सेंटर संचालकों को समझाइश देकर निकल गए। कोचिंग सेंटर संचालकों का कहना है टीम जांच के लिए आई थी और कहा है कि सुरक्षा का इंतजाम कर लीजिए, बस यही कहकर अधिकारी निकल गए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि निगम के कर्मचारी जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। में हुए आगजनी के बाद रायपुर नगर निगम प्रशासन जागा है और आज चेकिंग करने के लिए कई कोचिंग सेंटरों में गए। तो यहाँ पे हम खड़े हैं सीए कोचिंग चंदानी सेंटर है जहाँ पे अधिकारी आए थे। आपको बता दें कि आज रविवार है और रविवार के दिन अधिकारी कुछ समय के लिए यहाँ आए और दिशा निर्देश देकर गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं कि कोचिंग सेंटर में अभी भी ताला लगा हुआ है। अधिकारी के मंशा पर इससे सवाल उठता है कि कुछ पलों के लिए चेक करके आना, तो वहीं कोचिंग सेंटर के प्रबंधन का कहना है कि यहाँ पे निगम के अधिकारी आए थे और यहाँ दिशा निर्देश देकर चले गए हैं। तो इस तरह संडे को कुछ समय के लिए आना और चेक करके जाना तमाम उनके कार्यवाही पर सवाल खड़ा करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। राजधानी रायपुर में सुराट एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मृत्यु दर जनवरी में जो 20% थी, अप्रैल और मई तक 32.8% बढ़ने की खबर को सुराट एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया। साथ ही टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बढ़ती मृत्यु दर चिंता और जांच का विषय है, मैं खुद जाकर व्यवस्था का जायजा लूंगा, लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आवश्यकता अनुसार ट्रॉमा सेंटर में नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्यराजपुर ने। डीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिन ब दिन मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है और इस प्रबंधन से जुड़े तमाम अधिकारियों के पास इसके कोई माकूल जवाब नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, उनसे आइए जानते हैं कि क्या कुछ कारण है और क्या उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। सर, ये जो डीकेएस हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें मृत्यु जनवरी में 20% था दर, अब वो बढ़कर 32% हो गया, क्या मामला हो सकता है? एक डीकेएस अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज है वो ही वहां सामान्य रूप से भी आएंगे, जिनके जो स्वाभाविक है कि जीवन मृत्यु की भी जिस पेशेंट की बात रहती है गंभीर हालात में वो आते हैं, तो मृत्यु दर एक ज्यादा होने का कारण वो हो सकता है, ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो सुनी हुई बात है, अभी आपके माध्यम से आपने इस बात को मेरी भी जानकारी में लाया, आपने इसकी जानकारी ली होगी, तो मेरे को भी डिटेल में जानकारी लेके इस की तह तक जाना पड़ेगा कि आखिर एक ये 20% से आप 32% बता रहे हैं तो क्यों, कोई खास कारण था क्या कि इस बीच में कोई एक्सीडेंट ज्यादा हो गए, कोई गंभीर परिस्थिति में इस प्रकार की स्थिति आई, तो ये बढ़ने वाला ग्राफ है या अभी किसी कारण से बढ़ा है, ये सामान्य स्थिति में आ जाएगा, कम इसका प्रतिशत कम भी हो जाएगा, तो मैं जरूर इसकी जानकारी लूंगा। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनका कहना है कि मुद्दा तो गंभीर है, अगर ये उठा है कुछ समस्या है तो इसका समाधान निकाला जाएगा और त्वरित रूप में इस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और अब खबर रायपुर के टाटीवन से है, जहां गौहत्या की आशंका को लेकर विवाद के बाद गौरक्षक और हिंदूवादी संगठनों ने डीडीनगर थाने का घेराव किया है। ये डेयरी संचालक के खिलाफ काउंटर केस करने की मांग कर रहे थे। दरअसल शनिवार को टाटीबंद स्थित डेयरी में गौ तस्करी और गौमांस बेचने की आशंका पर
गौरक्षकों ने एक डेयरी में तोड़फोड़ की थी, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले शुभांकर द्विवेदी, अंकित द्विवेदी, अमनदीप शर्मा पर मामला दर्ज किया है। इधर पुलिस की कार्रवाई से नाराज गौरक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ता डेयरी संचालक के खिलाफ भी काउंटर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां एक विवाहिता महिला ने ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आपको बता दें, मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली पुलिस ने दर्ज कर ली है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ड्राइवरी काम करता था, वर्ष 2017 में नहाते समय उसके पति की अनुपस्थिति में नग्न अवस्था में फोटो खींच लिया और उसी फोटो को दिखा करके वायरल करके बदनाम करने का, ब्लैकमेल करने की धमकी दे करके दिन रात के समय में जबरन उसके बेडरूम में प्रवेश करके 20/5/2019 तक अनेकों बार बलात्कार किया। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मासूम की मौत हो गई। आरोप मासूम के परिजनों ने लगाया है। परिजनों का कहना है कि लगा कमलावती को डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया है कि डॉक्टरों से पहले नॉर्मल डिलीवरी का कहा गया, फिर ऑपरेशन की बात कही गई, जिसके बाद महिला की इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसमें मासूम की मौत हो गई। कार्रवाई, इनके लिए उचित कार्रवाई हो। हमारे सरगुजा जिला में टीएस सिंह, उनके भरोसे से आज दुनिया दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन उनके ही जिला में उन्हीं के आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसको देखना चाहिए था कि इस तरह की लापरवाही ना हो। अभी आपका मुलाजा कराया जा रहा है और जांच करके जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सीधे तरीके से कार्रवाई की जाए। और अब खबर सुकमा से है, जहां पुलिस ने 3 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। अच्छी पेटी अंग्रेजी शराब मिला। शराब के संबंध में उनसे दस्तावेज की मांग की गई। आरोपियों के द्वारा कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, जिस पर आबकारी एक्ट के तहत संबंधित शराब को जब्त किया गया और उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कोयले की तस्करी करने वाले आरोपी सुनील शुक्ला को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। बता दें, तकरीबन 3 सप्ताह पहले सुनील शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो शक्ति थाने से फरार हो गया था, जिसमें एक प्रधान आरक्षक को सस्पेंड भी किया गया था, मगर पुलिस अभी तक शातिर कोयला तस्कर सुनील शुक्ला को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शुक्ला जी करके जरूर थे, उनको पूरा नाम नहीं जान रहा हूं मैं, शुक्ला जी करके थे, वो मौके पे गाड़ी से कोयला उतरवा रहे थे। आनंद अग्रवाल करके कोई आए थे, वो बीच में हमें मतलब मध्यस्थता करवाने की बोल रहे थे, भैया इस मामले को निपटाया जाएगा, ऐसे वैसे उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश की थी, बोले हम आपके मालिकों को जानते हैं, ऐसे वैसे हो जाएगा सब कुछ, तो इस तरह की बात उन्होंने करने की कोशिश की हमसे। उसकी प्रथा भी की जा रही है, उसके जो रिश्तेदार और उसके अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है और उसमें जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पिथौरागढ़ भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला लक्ष्मीपुर गांव का है। यहां पर खेत में काम कर रहे किसान पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से किसान के पेट और ज्वांग में गंभीर चोट आई है। गरिमत यह रही कि ग्रामीण के चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंच गए और भालू वहां से भाग गया। आपको बता दें, इस इलाके में एक महीने के अंदर ही भालू के हमले के 7-8 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 की जान जा चुकी है। भालू द्वारा काटा गया है, उसके दाहिने पैर में 4 सेंटीमीटर के आसपास का चोट आया है और उनके पेट के बाएं साइड में 4 जगह चोट का निशान आया है। काम सेवा जी के काफी सेवन की घटना है, भालू अचानक आया और 5 इंच के पैर में अचानक हमला करके काट दिए
शादी डॉट कॉम में शादी का विज्ञापन देना एक युवती को महंगा पड़ गया। विज्ञापन के माध्यम से विदेश में रहने वाले एक युवक ने युवती से शादी की इच्छा जाहिर करते हुए संपर्क किया और भारत आने की बात कहकर 1,00,000 रुपए से अधिक की रकम अपने खाते में जमा करवा ली, जिसके बाद युवक ने जब अपना मोबाइल बंद कर दिया तब युवती को ठगे जाने का एहसास हुआ और इसने इसकी शिकायत पंडरी पुलिस से की है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है। शिकायत दर्ज करी है कि जीवन शादी डॉट कॉम पे शादी के लिए एक प्रपोजल दिया था, उसके बाद उनको यूके से एक नंबर से अज्ञात नंबर से कॉल आया और उनसे शादी का प्रपोजल के संबंध में बात हुई। काफ़ी 15-20 दिन बात होने के बाद बात आगे कुछ बढ़ी तो ये इंडिया आए शादी करने के लिए उनसे, जैसा कि प्रत्यक्ष कहना है, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या फिर एयरपोर्ट आर्टी कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह से इनको रोक दिया गया था। जो इंडियन करेंसी ना होने तक के इसमें इन्होंने एक अकाउंट नंबर देखे प्रार्थी से 2 या 3 ट्रांजेक्शन में लगभग 1,00,000 रुपये की ठगी कर ली है और किसी प्रकार कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में युवती ने मामला दिया था जो अपराध पंजीबद्ध किया। कोरबा में एक नाबालिग से गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। यहां शादी का झांसा देकर आरोपी प्रेमी ने नाबालिग से कई दिनों तक दैहिक शोषण किया और उसके गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराया और भ्रूण को घर के पीछे गाड़ी में गाड़ दिया। वहीं गर्भपात के बाद से नाबालिग की जान खतरे में आ गई है। फिलहाल उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में पीड़िता और उसकी माँ के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। तीन बार उसका बता दी का आरोपी दिलानंद साहू हथियार के रहने वाला है। रलिया की एक लड़की नाबालिग लड़की है, उसके साथ 3 साल से प्रेम संबंध बनाकर उसके गर्भवती कर दिया था और अभी 23 तारीख को उसको पुलिस रास्ते से उसको गर्भपात करा दिया है। कल रात्रि में 26 तारीख को आज रात्रि में रिपोर्ट करने आई थी उसकी माँ और लड़की। बलौदाबाजार के खेदागांव में पदस्थ एनएस नर्स डागेश्वरी यादव के अवैध क्लिनिक पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए उसे सील बंद कर दिया है। बता दें डागेश्वरी यादव खेदागांव में एएनएस के पद पर पदस्थ है और वो गांव में इलाज करने नहीं जाती, वो बलौदाबाजार में खुद का क्लिनिक चलाती है। प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करने से एक महिला की मौत हो गई और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद टीम ने डागेश्वरी के क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई में टीम को खाली शराब की बोतलों के साथ साथ कई और अनैतिक सामान मिले हैं, जिसमें एक प्रेस कार्ड मिला है जो डागेश्वरी के नाम पर है और इसी को देखते हुए टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। जब जब वो लोको होटल के सामने रहते थे पुराना बस स्टेशन सबसे मतलब आना जाना है, उसके बाद साथ में एक डिलीवरी डी आधा बेहतर ही आधा और कम ट्रेवल नहीं था और गुरुवार को जिला हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों का इलाज ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, इस तरह का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि सड़क हादसे में घायल हुए महमूद को जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है और इसको लेकर परिजनों की डॉक्टर से कहा सुनी हो गई। डॉक्टर का कहना है कि छुट्टी के कारण एक्सरे करने वाला नहीं है और इसलिए मरीज के हाथ का एक्सरा नहीं किया जा सकता। मरीज की हालत गंभीर होने के चलते उसे परिजन एक निजी हॉस्पिटल अस्पताल ले आए, मगर सोचने वाली बात यह है कि सरकारी अस्पताल में सरकार अनेक प्रकार की सुविधाओं के दावे तो करती है मगर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं हासिल है। दो लोग बैठे हुए थे, उसमें महमूद खान भी था और उसका ड्राइवर था, उनको काफ़ी चोट लगा है तो ड्राइवर उसके घर वाले जब प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए
क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसलिए इसको लेकर हम लोग 100 पे डाल रहे हैं। सर नहीं डाल रहे थे, काम चल रहा है हम लोग का। क्या काम? पूर्णिया सर शहर पहुँचाने जा रहे थे। कितने लोग थे आपने? हम लोग दो आ रहे। दुर्ग के इंदिरा मार्केट की दो दुकानें आग की चपेट में आ गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी विजय सुपर बाजार में भीषण आग लगी थी, जिसमें दोनों दुकानों का सारा सामान जलकर राख गया। लाइन स्टील प्लांट की दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। 10 से 12 गाड़ियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुकान के ऊपर माले में कॉस्मेटिक सामान भी भरा हुआ था, जिसमें अधिक ज्वलनशील डीओ परफ्यूम और महिलाओं के इस्तेमाल का वैक्स जमा था। इसकी वजह से भी आग ने विकराल रूप अख्तियार किया और उस पर दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। का कारण कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक, वो आगे जांच के और समझ में आएगा, क्योंकि सुबह सुबह चौकीदार ने धुआं देखा और धुआं देकर जैसे ही सूचना दिया उसके बाद तत्काल हमारे द्वारा एक्शन लिया गया। कारण अभी उनकी जो भी दुकान में जो सामान था वो पूरा लगभग। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते नशे के कारोबार ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक ओर जहां जिले में अवैध रूप से शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग अब नशीली दवाइयों के आदि हो गए हैं। लोगों को नशे का आदि बनाने वाला ये हर गोरख धंधा अब हर महीने करोड़ों रुपए का हो चुका है। ड्रग विभाग के द्वारा चांपा के शारदा मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 80 नग नशीले सिरप और बड़ी मात्रा में टेबलेट जब्त किए गए हैं। इस मामले का दुखद पहलू यह है कि मामले में संलिप्त बड़े मगरमच्छ तक अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। ये कह रहा हूँ, दो चार टब बेचता था जी, ये 15 दिन का है, 15 दिन महीना दिन। शारदा मेडिकल नाम का व्यक्ति जो है वो इस टाइप की जो कोडिंग युक्त जो भी दवाइयाँ हैं उसका अवैध रूप से मतलब बिक्री कर रहा है। पता चला कि ये जो है ये सारा चीज़ घर में आपको सारा चीज़ मिलेगी, तब हमने घर पे सर्च किया और सर्च करने पे ये सारा माल जो है बरामद। पतलगांव शहर का एक सार्वजनिक तालाब अतिक्रमण की चपेट में आकर सूख चुका है। अब तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए युवकों ने पहल शुरू की है। मामला गुरुकुल कॉलेज के पीछे खुर्शीबुड़ा तालाब का है। नगर पंचायत की ओर से अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से युवा संगठन ने अब विधायक राम पुकार सिंह से तालाब को बचाने की मांग की है। युवाओं ने अतिक्रमण हटाने के लिए विधायक राम पुकार सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर विधायक ने अतिक्रमण की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने का आश्वासन दिया और बेजा कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। द्वारा पत्थरों के लोगों द्वारा विधायक सर को ज्ञापन दिया गया है, जो एक तालाब है उसमें अवैध रूप से उसको कब्जा कर लिया गया है और उसमें पानी की समस्या है, जिसको विधायक सर को हम लोग आके ज्ञापन दिए। युवा संगठन पत्थरगांव की तरफ से ज्ञापन आया है प्रारंभिक शाला में पहली कक्षा में बच्चे जब स्कूल प्रवेश करेंगे तो उनके और शिक्षकों के बीच भाषा के अंतर और मन स्थापित संकोच को समाप्त करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के स्थानीय भाषा में किताबें प्रकाशित होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में 9 स्थानीय भाषा बोली जाती है, जैसे गोंडी, हल्बी, कमारी भाषा समेत अन्य भाषाएं बोली जाती है। कक्षा में नव प्रवेश बच्चे आएंगे, पहली बार विद्यालय में प्रवेश लेंगे, तो उस समय बच्चे अपनी मातृभाषा में ही बात करना जानता है, हिंदी भाषा नहीं समझ पाता है, तो हम उनको उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही बातचीत करके शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए सुरार एक्सप्रेस।